Assalamualaikum dear students. In the previous lecture we will discuss about the exoskeleton and in this lecture we will discuss about the endoskeleton. के endoskeleton क्या होता है और हमारे जिसमें इसका किरदार क्या होता है, ये सारा इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि एंडोस्केलेटन होता क्या है. एंडोस्केलेटन क्या होता है, ये तो हमारे इनसाइड फ्रेमवर्क पाया जाता है. एक्सो में हमने पढ़ा था कि वो आउटसाइड ऑफ द फ्रेमवर्क, आउटसाइड फ्रेमवर्क होता है, मतलब बॉडी के आउटसाइड की सतह पर पाया जाता है. लेकिन जो एंडो होता है हमारे पास, वो क्या पाया जाता है, इनसाइड पाया जाता है, मतलब हमारे जिस्म के अंदरूनी तरफ पाया जाता है जी. अब इसके हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि कौन कौन सी इसकी खसूसियात होती है. तो सबसे पहले क्या होता है, ये टफ होता है, अंदर की तरफ पाया जाता है. ये क्या होता है, टफ होता है, हार्ड होता है, रिजिड होता है. उसके अलावा ये अंडरनीथ द स्किन पाया जाता है, हमारे स्किन के अंदरूनी तरफ पाया जाता है. ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को. आप देखें जो हम खड़े हुए हैं तो मतलब ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, ये हमें एक किस्म के का सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. क्यों, क्योंकि एंडोस्केलेटन में हमारे बोन्स भी आ जाती हैं, कार्टिलेज भी आ जाती हैं. तो अगर हमारे अंदर बोन्स नहीं होगी तो हम इस तरह से सीधे खड़े नहीं हो सकते. इसी वजह से हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. सेम इसी तरह ये हमें शेप प्रोवाइड करता है कि हमारे जो जिस्म की शेप है, हमारे हाथ हैं, बाजू हैं, जो इनकी शेप मेंटेन हो रही है, वो भी किसकी वजह से, इन बोन्स की वजह से. अगर हमारी इस उंगली में अगर बोन्स फर्ज के नहीं है तो हमारी उंगली क्या होगी, बिल्कुल डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी. तो मतलब ये जो बोन्स और कार्टिलेज होते हैं, ये हमारे जिस्म को शेप प्रोवाइड करते हैं कि हमने किस तरह से उसको मेंटेन करना है. फिर आ जाते हैं स्टोरेज ऑफ मिनरल्स. ये बोन्स और कार्टिलेज क्या करते हैं, यानी कि जो हमारा एंडोस्केलेटन होता है, ये क्या करता है, मिनरल्स को स्टोर करता है. आपको पता है जो आपके हड्डियां होती हैं, सुना होगा आपने कि उसमें कैल्शियम की मकदार क्या होती है, ज्यादा होती है. कैल्शियम आयन पाए जाते हैं, उसके अलावा हमारे पास फास्फोरस पाए जाते हैं. ये सारे किसके अंदर होते हैं, हड्डियों के अंदर होते हैं. तो ये क्या होता है जी, स्टोरेज ऑफ क्या होता है, मिनरल्स होते हैं जो उसके अंदर स्टोर होते हैं वो. उसके बाद क्या होता है, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है. अब जैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या होते हैं, अपने पाँव की मदद से चल कर जाते हैं. तो ये जो पाँव की मदद से चल कर जाते हैं तो हमारी हड्डियाँ हमारी टांगों के अंदर ये मूवमेंट करने में हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. तो ये भी सारा किस में आ जाता है जी, एंडोस्केलेटन में आ जाता है. एंड लास्ट माने जी प्रोटेक्शन, हमें किस क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. अब जैसे एंडोस्केलेटन होते हैं, हमारे अंदर हड्डियाँ होती हैं, उसके बाहर की तरफ हमारे पास जो फाइबर्स पाए जाते हैं, जैसे कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जो उनके क्या बनाते हैं, उनको हार्ड बनाते हैं, रिजिड बनाते हैं. तो उसकी मदद से क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. हमारे जो अंदरूनी इनके ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं. उसके बाद हम यहाँ क्या करते हैं जी, अब ये सारी करेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, एंडोस्केलेटन की. अब हम डिस्कस करते हैं एंडोस्केलेटन की टू टाइप्स होते हैं. एक आ जाता है हमारे पास बोन, दूसरा होता है जी कार्टिलेज. अब बोन क्या होती है और कार्टिलेज क्या होती है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन में भी आता है कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि बोन क्या होती है और कार्टिलेज क्या होती है. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बोन के बारे में कि बोन क्या होती है. आपको पता है हड्डी जो होती है वो टफ होती है और हार्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है, सख्त होती है. आप जैसे इनके जानवर किसी को ईद के मौके पर जानवर को ज़िबा करते हैं, आप देखते हैं उसकी हड्डियां जो होती है काफ़ी सख्त होती है, उसको टूटने में बहुत मसला होता है. इसी वजह से वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं. उसके अलावा क्या करते हैं, सपोर्ट, शेप एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. हमें सपोर्ट भी देती है, शेप भी देती है और प्रोटेक्ट भी करती है हमारे अंदरूनी माहौल को. उसके अलावा ये क्या होता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस आयन होते हैं. ये सारा पीछे डिस्कस कर चुके हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर क्या होती हैं, स्टोर की होती हैं. अब जब हम बोन की बात करते हैं तो आगे इसकी दो टू टाइप्स होती है, मतलब बोन जो होती है वो दो तरह की होती है. एक होता है जिस कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा होता है स्पंजी बोन. अब इन दोनों बोन्स, अब बोन तो हमने पढ़ा कि वो क्या होती है, सख्त होती है, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या आ रहा है, अब उसकी दो टाइप्स आ जाती है मजीद. एक होता है कॉम्पैक्ट बोन, दूसरा होता है स्पंजी बोन. अब कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है और स्पंजी बोन क्या होता है, जो हमारी सबसे हार्ड हड्डी होती है वो क्या होती है जी, कॉम्पैक्ट बोन में आ जाती है. और जब वो थोड़ी सॉफ्ट होती है तो वो किसकी शक्ल में होती है, स्पंजी बोन की शक्ल में होती है. ये मैंने डायग्राम ड्रा किया है, आपने इसको कई बार ये हड्डियाँ देखी होंगी. अब ये जो लंबे वाला पोर्शन होता है उसका, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, वो क्या कहलाता है जी, कॉम्पैक्ट बोन में आ जाता है. और नीचे वाला जो उसका पोर्शन होता है, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका बोन मैरो सेल्स पाए जाते हैं जी. जो बोन मैरो के सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसके अंदर यानी कि क्या होते हैं, वो स्पंजी बोन होते हैं, मतलब वो थोड़ा सा होता है यानी कि नरम सा होता है जी. ठीक हो गया. तो ये क्या होता है जी, बोन का हमारे पास स्ट्रक्चर है. अब ये क्लियर हो गया जी, कॉम्पैक्ट बोन क्या होता है और स्पंजी बोन क्या होता है. अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बोन सेल्स. अब हमारे बोन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं. आपको पता है कि हमारा जिस्म जो है, बॉडी जो है, किस चीज़ से मिलकर बनी होती है, सेल से मिलकर बनी होती है. बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है जी. तो अब हमारे जो बोन्स के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं, उन कौन कौन से होते हैं. पहला होता है हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट, सेकेंड वन है जी ऑस्टियोसाइट्स, एंड थर्ड वन ऑस्टियोक्लास्ट. अब इनमें डिफरेंस क्या आता है, ये भी आपके एमसीक्यूज में आते हैं कि ऑस्टियोक्लास्ट क्लास्ट क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स क्या होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं. ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं जी, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं. मतलब जैसे इनके छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो उसकी हड्डी क्या होती है, थोड़ी नरम होती है, मतलब तब उसकी हड्डियाँ बन रही होती है. मतलब जो बनने का अमल होता है वो क्या होता है जी, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है तब वो हड्डियाँ. मतलब के क्या होते हैं, वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो कि हड्डी को बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहलाते हैं.
सेकंड वन है जी ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स क्या कहलाते हैं? पहले वो आप क्या आते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स से, मतलब कि हड्डी क्या आती बिल्कुल नरम थी, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी हड्डियां भी क्या होती जाती है जी, हमारी हार्ड होती है, सख्त होती जाती है, तो तब वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर बोन सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं जी। एंड द थर्ड वन इज जो कि हमारे पास क्या होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, ये क्या होते हैं, बोन डिजॉल्विंग सेल्स होते हैं। आपको पता है कि हमारी बोन्स सबसे पहले क्या होते हैं जी, नरम होते हैं, तब उनको किसका नाम देते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट का, फिर वो क्या होती है हमारे पास डिजॉल्व होती है, क्या होती है, डिजॉल्व होती है, डिजॉल्व कौन करते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो उनको डिजॉल्व करते हैं, जैसे ही वो डिजॉल्व होते हैं तब वो क्या बन जाते हैं जी, हमारे पास मैच्योर सेल्स बन जाते हैं, और वो मैच्योर सेल्स क्या कहलाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज में बनता है कि बोन फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड, तब आप कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट्स कहलाते हैं, और एमसीक्यूज आता है कि मैच्योर बोन सेल्स आर कॉल्ड, तो अब आप कहेंगे ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं, ये एक और आता है बोन डिजॉल्विंग सेल्स आर कॉल्ड, अब तब आप कहेंगे ऑस्टियोक्लास्ट ये कहलाते हैं, ये एमसीक्यूज में आते हैं आपका। और एक एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एमडी कैट में आता है वो होता है हमारे पास ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, आपका एमसीक्यूज आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड, तब आप क्या कहेंगे, जो हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो क्या होते हैं जी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं जी, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है आपके एमडी कैट के अंदर भी। उसके बाद ये था हमारे पास किसके बारे में, बोन के बारे में, कि बोन होती क्या है और उसकी टाइप्स कौन सी होती है और उसमें कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जी कार्टिलेज के बारे में, कि कार्टिलेज क्या होती है। अभी हमने कहा ये जो हमारे पास बोन होती है बहुत ज्यादा सख्त होती है, लेकिन जो कार्टिलेज होती है वो क्या होती है जी, नरम बोन होती है, जैसे ठीक हो गया, जो हमारी नरम बोन होती है वो क्या कहलाते हैं जी, ऑस्टियोक्लास्ट कहलाती है। जो बोन होती है उसको हम यानी कि नहीं खा सकते, लेकिन जो कार्टिलेज होती है वो थोड़ी नरम होती है, उसको हम अपने दांतों की मदद से चबा कर खा सकते हैं जी। ये क्या होते हैं जी, इलास्टिक होती है और रिजिड कनेक्टिव टिश्यू होती है, जैसे थोड़ी रिजिड भी होती है, मतलब कि इतनी ज्यादा भी वो नरम नहीं होती, जैसे गोश्त होता है वो तो गोश्त हो गया ना, लेकिन उससे थोड़ा से इनके जो पहले की कंडीशन होती है जो कि क्या होती है, थोड़ी नरम होती है, वो क्या कहलाती है, कार्टिलेज होती है। अब ये क्या होते हैं, इलास्टिक होती है, क्या होते हैं, मतलब कि थोड़ी नरम होने की वजह से इनमें इलास्टिसिटी आ जाती है, क्योंकि इनके अंदर इलास्टिक फाइबर्स वगैरह पाए जाते हैं, उसकी वजह से इलास्टिसिटी इनमें जाती है, इसलिए और ये कार्टिलेज कहलाती है। ये क्या कहते हैं, सॉफ्टर देन बोन्स होती है। अभी बताया कि ये बोन्स से क्या होते हैं, थोड़ी नरम होती है, सॉफ्टर देन बोन्स होती है, इसमें कोई ब्लड की कैपिलरीज नहीं पाई जाती। तो आपका सवाल आ सकता है कि ब्लड कैपिलरीज नहीं है तो इसमें यानी कि कुछ यानी कि ब्लड कैपिलरीज नहीं है तो किस तरह से मटेरियल आते जाते हैं या किस तरह से ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड की जाती है, तो इसके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, मतलब ये डिफ्यूजन के प्रोसेस की मदद से जो भी इनको चीज़ जरूरत होती है या ट्रांसपोर्ट की जाती है, सारा सिस्टम डिफ्यूजन की मदद से किया जाता है। अब ये हमारे पास क्या होते हैं जी, अगर फर्ज के हमारे पास एक इनके कार्टिलेज है तो कार्टिलेज के ऊपर ये जो हमारे पास ये होते हैं ये क्या होते हैं, इनके ऊपर कोलेजन फाइबर होते हैं जी। ये जो कोलेजन फाइबर होते हैं, इस कोलेजन फाइबर की वजह से हमारे जो हड्डी होते हैं वो थोड़ी सख्त होते हैं। जैसे ये देख लें, ये हमारे पास एक हड्डी का स्ट्रक्चर हो गया और उसके बाहर बाहर ये हमारे पास क्या होते हैं, इनके ऊपर कोलेजन फाइबर्स होते हैं, जिसकी मदद से ये हड्डियां जो होती हैं वो सख्त होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर कोलेजन फाइबर नहीं होगी तो हमारी हड्डियाँ उतनी सख्त नहीं होगी। इस वजह से ये जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज में भी दो चीज़ें, इसमें हमारे पास बोन्स में सिर्फ कोलेजन फाइबर्स होते हैं जिसमें हमारे पास कैल्शियम और पोटाशियम के आयंस पाए जाते हैं, लेकिन जो कार्टिलेज होते हैं इसमें दो तरह के पाए जाते हैं, एक होते हैं कोलेजन फाइबर और दूसरे हमारे पास होते हैं जी इलास्टिक फाइबर्स, जो कि इनको इलास्टिसिटी देते हैं। अब जैसे ये हमारे पास एक कार्टिलेज है, कार्टिलेज क्या क्या हमारे पास तीन टाइप्स हैं, एक है जी हायलिन कार्टिलेज, सेकंड वन इज इलास्टिक कार्टिलेज एंड थर्ड वन इज फिब्रो कार्टिलेज। अब इनमें डिफरेंस भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि इन कोई सी दो दे देते हैं कि इनमें आप डिफरेंस बताएं। तो हायलिन कार्टिलेज क्या होती है, ये क्या होती है, लॉन्ग बोन्स एंड, मतलब कि आपकी जो लंबी लंबी हड्डियां हैं जैसे कि टांगों की हो गई, बाजू की हो गई, जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके एंड्स के ऊपर पाई जाती है, वो कौन सी होती है, हायलिन कार्टिलेज होती है। ये मूवेबल जॉइंट्स, जहां पर हमारे पास जॉइंट्स मूव हो रहे होते हैं, इनके स्टार्ट में यहां पर क्या होती है जी, हमारे पास ये हायलिन कार्टिलेज पाई जाती है। सेकंड वन इज रिड्यूस फ्रिक्शन, क्योंकि ये हायलिन कार्टिलेज होती है हड्डियों के, दो हड्डियों के दरमियान में पाई जाती है, इसलिए ये फ्रिक्शन को क्या करती है, कम करती है। अगर ये हायलिन कार्टिलेज नहीं होगी तो जैसे ही हमारी हड्डियों के दरमियान से ये खत्म हो जाएगी तो हड्डियां आपस में क्या होंगी, मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हायलिन कार्टिलेज जो होती है वो पेन से बचाती है और दो हड्डियों के दरमियान फ्रिक्शन लाती है, जिसकी वजह से हमें पेन नहीं होता जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, ये क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स इसके अंदर पाए जाते हैं। दूसरा हमारे पास इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, ये वो फाइबर्स हैं जिसकी मदद से इनके अंदर क्या आते हैं, इलास्टिसिटी आती है। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जो एक्सटर्नल पिन्ना है हमारे पास, ये जो कान हो गया, इसके इनके अंदर जो हड्डी होती है ये भी कार्टिलेज होती है।
जो कि इलास्टिक कहलाती है। उसके बाद हमारे पास जो एपिग्लॉटिस होता है, यहाँ पर यानी कि हमारे पाए जाते हैं एपिग्लॉटिस में भी क्या आ जाते हैं, इलास्टिक इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है वो। अब थर्ड वन है हमारे पास जी फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे जो नोज होता है, नोज के अंदर जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, फिब्रो कार्टिलेज होती है। उसके अलावा जो ट्रैकिया हमारी हवा की नाली होती है उसके अंदर भी क्या होती है जी, हमारे पास फिब्रो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज मतलब हड्डी होती है हमारे पास। उसके अलावा जो लैरिंग्स होते हैं आपका यहाँ पर पाया जाता है, लैरिंग्स के अंदर भी क्या पाए जाते हैं जी, फिब्रो कार्टिलेज पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास यानी कि अब देखें, अब हमने इसे तार टॉपिक क्लियर किया जिसके बारे में हमने बताया कि एंडोस्केलेटन होता क्या है, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लियर किया, फिर उसके हमने दो टाइप्स पढ़ी, बोन क्या होता है, कार्टिलेज क्या होता है, फिर हमने बोन की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, उसकी यानी कि टाइप्स के नाम पढ़े और कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं ये क्लियर किया हमने, और कार्टिलेज की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान की और यानी कि उसकी टाइप्स को क्लियर किया। तो आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है, नहीं तो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से मस्ट आता है। आज तक के लिए कोई आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।